आज है संडे और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अध्यात्म का विषय। हर संडे मैं आपको अध्यात्म का विषय लेकर आता हूँ। आज अपन बात करेंगे भारत के 3 ऐसे रहस्यमय मंदिर की। वो रहस्यमय मंदिर जिसके हजारों वैज्ञानिक वहां जा चुके हैं, हजारों रिसर्चर वहां जा चुके हैं, लेकिन अभी तक वहां के रहस्य कोई नहीं सुलझा पाया है। आखिर ये मंदिर कौन से और ऐसा क्या रहस्य है, इसके बारे में अपन जानेंगे। आइए, जगन्नाथ मंदिर, यह उड़ीसा, भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है, पुरी में यह स्थित है। यह मंदिर 1100 ईस्वी में बना। इस मंदिर में जाने के लिए 4 गेट है, आप ध्यान रखना, जब भी आप जाओ तो इस मंदिर में जाने के लिए 4 गेट है, जिसमें से एक गेट का नाम है सिंह द्वार, और इसी गेट को रहस्यमय कहा जाता है। 4 गेट है, इसमें से एक गेट है सिंह द्वार, और इसी को रहस्यमय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, देखिए आप जब आप इस गेट से अंदर जाते हो ना, तो आपको समुद्र की आवाज़ आना बंद हो जाती है, और जैसे ही आप इस मंदिर इस गेट से बाहर निकलते हो ना, तो समुद्र की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। अब आप देखिए, उड़ीसा के पुरी में जो मंदिर है ना, जगन्नाथ मंदिर, ये समुद्र के किनारे बसा हुआ है। ये जो सिंह द्वार का गेट है ना, आप इस गेट से जैसे ही 2 कदम अंदर रखोगे ना मंदिर के अंदर, समुद्र की आवाज़ आना बंद हो जाएगी, और जैसे इस मंदिर के 2 कदम जो मंदिर का गेट है सिंह द्वार, इसे 2 कदम बाहर रखोगे ना, आपको समुद्र की आवाज आना शुरू हो जाएगी। तो देखा कितना रहस्य है ये। आपने देखा हो, आप समुद्र के पास जाते हो तो लहरों की कितनी आवाज आती है, लेकिन जब इस मंदिर के इस गेट के अंदर आप 2 कदम अंदर पैर रखोगे ना, तो आवाज बंद समुद्र की, और जैसे ही बाहर आए इस गेट से 2 कदम बाहर पैर रखे और समुद्र की आवाज आना शुरू हुई, तो इतना रहस्य कहां से आया ये। इस मंदिर का जो रहस्य है बहुत ही भयंकर रहस्य है। और देखिए, इस मंदिर में के ऊपर का झंडा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। अब आप देखिए, हमेशा हवा के अनुरूपी कोई भी चीज लहराती है, लेकिन यहां पर देखिए आप, इस मंदिर का जो ऊपर का झंडा है ना, जैसे हवा इधर से बह रही है तो इसका झंडा इधर लहराएगा। ये जो रहस्य है ना, आज दिन तक बड़े बड़े वैज्ञानिक भी जाके वहां सुलझा नहीं पाए कि आखिर ये जो ये झंडा है जो हवा के विपरीत दिशा में क्यों लहराता है। ये लोगों के आज भी पहेली बनी हुई है। और एक रहस्य और है इस मंदिर का, इस मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी नहीं उड़ता है। इस मंदिर के जो ऊपर, जब ऊपर जो टॉप के ऊपर है ना, वहां पर कोई भी पक्षी नहीं उड़ता है। आपको साइड में बहुत सारे पक्षी उड़ते हुए दिख जाएंगे, लेकिन इस मंदिर के ऊपर टॉप पे कोई भी पक्षी नहीं उड़ता। इस मंदिर के 3 सबसे बड़े रहस्य जो आज दिन तक कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी रिसर्चर नहीं सुलझा पाया है, ये सब लोगों के लिए आज भी पहेली बना हुआ है। सेकंड, करणी माता मंदिर, राजस्थान के करणी माता मंदिर जो बीकानेर में स्थित है, इसे चूहों वाला माता जी का मंदिर भी कहा जाता है। अब रहस्य क्या है, देखिए आप, इस मंदिर में हजारों चूहे रहते हैं और घूमते हैं, पर खास बात है ये चूहे मंदिर से कभी बाहर नहीं आते। आप जैसे इस मंदिर के अंदर जाओगे ना, तो हजारों चूहे मिल जाएंगे, लेकिन जैसे ही मंदिर के बाहर आए, आपको एक भी चूहा नहीं मिलेगा। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यही है, और लोग समझ नहीं पाते कि अंदर इतने चूहे, बाहर एक भी चूहा नहीं। आखिर क्या चमत्कार है, क्या रहस्य है। लोग और वैज्ञानिक रिसर्चर आज भी इस रहस्य को सुलझा, इस रहस्य की गुत्थी को सुलझा नहीं पाए हैं। थर्ड, देखिए आप, वीरभद्र मंदिर, आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर है। इस मंदिर में अगर आप जाओगे ना, तो कई पिलर, आपको हजारों पिलर मिल जाएंगे, लेकिन एक पिलर इस मंदिर में खास है, क्योंकि यह पिलर हवा में रहता है, और यह पिलर हवा से इतना ऊपर है कि आप आसानी से पिलर के नीचे से कपड़ा निकाल सकते हो। आप इस आंध्र प्रदेश के वीरभद्र में मंदिर में जब जाओगे ना, तो आपको बहुत सारे पिलर नजर आएंगे, लेकिन एक पिलर ऐसा होगा जो हवा में उठा हुआ रहता है। अब आप देखो, वो हवा में उठा हुआ है, नीचे से आपको भी कपड़ा निकाल सकते हो, आप ऐसे हाथ घुमा सकते हो। अब आप देखो, इतना वजनी पिलर हवा में कैसे तैर रहा है, इसका रहस्य आज दिन तक कोई नहीं सुलझा पाया है, और इस पिलर को आकाश तक पिलर भी कहा गया है। इतना वजनी पिलर हवा में तैरना सबसे बड़ा रहस्य है ये, लेकिन आज दिन तक ये रहस्य कोई नहीं सुलझा पाया। तो ये देखिए, भारत के ये 3 मंदिर, सबसे रहस्यमय मंदिर, जो इतने बड़े बड़े रहस्य इसमें भरे हुए हैं, लेकिन आज दिन तक कोई भी इसका इस पहेली को सुलझा नहीं पाया है। वहां पर हजारों लोग जाते हैं और आश्चर्य करते हैं कि आखिर ये सब कैसे होता है। इसी के साथ आज यहीं मेरा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे आने वाले वीडियो को देखते रहें।